सो हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होगे और मौज मस्ती कर रहे होगे। तो चलिए इस वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं। सो इन टुडेस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू यूज एनी म्यूजिक विदाउट कॉपीराइट। मतलब कि आप कैसे भी कोई म्यूजिक को यूज़ कर सकते हो बिना कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्लेम के। तो भाई कल मेरे को एक कमेंट आया था कि भाई आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो भाई मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। भाई क्या होता है कि जब भाई अपन न्यू रहते हैं यूट्यूब पे, तो भाई अपन को ज़्यादा नहीं मालूम रहता। तो भाई अपन क्या करते हैं, अपन डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करते हैं कोई भी सॉन्ग और डायरेक्ट भाई उसे डाउनलोड करके यूज़ कर लेते हैं। और भाई अगर अपन ऐसे यूज़ करते हैं तो अपन को भाई कॉपीराइट लगता ही है, क्योंकि भाई अगर अपन कोई भी सॉन्ग को यूज़ करेंगे डायरेक्ट डाउनलोड करके तो भाई अपन को कॉपीराइट लगना ही है। तो भाई आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप भाई जौन सा म्यूजिक चाहे उससे यूज़ कर सकते हो और भाई आपको कॉपीराइट भी नहीं लगेगा। भाई कोई कोई म्यूजिक को जो आप यूज़ करोगे उसमें आपको भाई उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा, और भाई कोई कोई म्यूजिक में आपको क्रेडिट नहीं भी देना पड़ेगा। नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूज़ करने के बाद भी अगर कोई ने कॉपीराइट देने की कोशिश की साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो वाले वीडियो में एंड तक बने रहना। और भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो शायद आप वीडियो को ढंग से ना समझ पाओ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई लोग मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, आपको सबसे पहले यूट्यूब को ओपन करना है। जैसे मैंने यूट्यूब को ओपन कर लिया है, अब आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने सर्च बटन पे क्लिक कर दिया है, तो भाई जैसे कि आपको कोई भी गाना, आपको जो भी गाना आपको भाई डाउनलोड करना है बिना कॉपीराइट के, तो भाई आपको उसका नाम लिख देना है। जैसे भाई मेरे को ये चाहिए शेप ऑफ यू, तो भाई मैं काम करता हूँ। देखो अब इनमें से जितने भी भाई गाने आ रहे हैं नीचे, अगर मैं इनमें से एक को भी यूज़ करूँगा तो भाई कॉपीराइट तो लगना ही है। आप अगर चाहते हो कि आप इसी गाने का यूज़ करो पर कॉपीराइट ना लगे, तो भाई आपको भाई राइट साइड की टॉप पे थ्री डॉट दिख रहे हैं, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। फिर आपको फिल्टर्स पे क्लिक करना है। फिल्टर्स पे क्लिक करने के बाद आपको भाई नीचे फीचर्स दिख रहे होंगे, आपको फीचर्स में क्रिएटिव कॉमन्स दिख रहा होगा, तो आपको उस पर क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देना है। भाई अब नीचे जितने भी भाई आपको वीडियो दिखेंगी वो भाई सब नॉन कॉपीराइटेड है, मतलब कि आप भाई अगर उनका यूज़ करोगे तो आपको कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जैसे कि भाई ये एक वीडियो है, आप अगर इस पर क्लिक करोगे नीचे जाओगे तो आपको भाई लाइसेंस में दिख जाएगा क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड, मतलब कि भाई आप इसे रीयूज़ कर सकते हो, आपको कोई स्ट्राइक भी नहीं मिलेगा। और भाई आपको क्रेडिट देना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भाई ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे। तो भाई ऐसे ही मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये बता दिया है, तो आप ऐसे भाई जो भी गाना चाहो आप उसको भाई सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर गाना ही इस फीचर में मिल जाए, क्योंकि भाई हर गाना क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में मिल जाए वो ज़रूरी नहीं है, क्या पता कोई ने अपलोड ही ना कराओ। तो आप जो भाई दूसरा तरीका है मैं आपको अब वो बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले चैनल की लिंक कॉपी कर लेनी है। फिर चैनल की लिंक कॉपी करने के बाद उसके बाद आपको आ जाना है भाई क्रोम पे। क्रोम पे आने के बाद भाई आपको अपनी जो भाई लिंक आपने कॉपी करी थी वो आपको भाई पेस्ट करनी है। तो जैसे भाई मेरी जो चैनल की लिंक है वो मैंने पेस्ट कर दी है। अब भाई जो काम है आपको भाई जाना है यूट्यूब स्टूडियो पे। अगर आप भाई कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो तो आप इजीली जा सकते हो, पर भाई फ़ोन में भाई प्रॉब्लम आती है। अगर आप यूट्यूब पे डेस्कटॉप साइट करके यूट्यूब स्टूडियो खोलोगे भाई आपका जो फ़ोन वाला रहता है वो कभी कभार खुल जाता है, तो इसलिए जो भाई परेशानी आती है इसलिए भाई मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको भाई यहाँ पे क्लिक करके ये जो भाई आपको दो स्लैश दिख रहे हैं उसके आगे आपको भाई लिख देना है स्टूडियो। आपको स्टूडियो लिखने के बाद यहाँ पे लगा देना है एक डॉट, ठीक है। फिर डॉट लगाने के बाद आपको भाई थोड़ा इस साइड आना है। इस साइड आने के बाद जो भाई एंड है आपको भाई एंड पे एक और स्लैश लगा देना है, जैसे मैंने लगा दिया है। और आपको यहाँ पे लिख देना है म्यूज़िक, ये आ गया म्यूज़िक। तो अब आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आप डेस्कटॉप को यूज़ कर रहे होगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डायरेक्ट भाई यूट्यूब स्टूडियो पे जाके भी खोल सकते हो। तो जैसे अगर आप यूट्यूब स्टूडियो पे आते तो आपको भाई सबसे नीचे वाला फ़ीचर मिल जाता, तो आप देख लीजिए कस्टमाइजेशन के नीचे आपको मिल जाएगा फीचर। तो भाई जो फीचर का नाम है ये है भाई ऑडियो लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जितने भी भाई आपको साउंड दिख रहे हैं भाई आप इनका यूज़ कर सकते हो और आपको कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे भाई कोई भी साउंड है जैसे कि ये वाला साउंड है भाई, इसका अपन यूज़ कर सकते हैं और कोई कॉपीराइट भी नहीं आएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा एंड पे। अब भाई जो बात है वो ये कि कुछ लोग को भाई अपन को देना पड़ेगा क्रेडिट और कुछ लोग को भाई अपन को क्रेडिट नहीं देना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अपन को पता कैसे चलेगा। जैसे कि ये फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर वाला बटन है, जैसे फ़िल्टर वाला बटन है तो आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। तो अगर भाई आप एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड पर क्लिक करोगे तो जो भाई आपको जिन लोग को क्रेडिट देना है आपको वो वाले साउंड दिखेंगे, और अगर भाई आपको बिना क्रेडिट देने वाले साउंड चाहिए तो आपको एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक करना है, जैसे मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए भाई यहाँ पे जितने भी साउंड आ रहे हैं
आपको भाई किसी को भी कुछ भी क्रेडिट नहीं देना पड़ेगा। और आपको अगर कोई भी भाई साउंड का नेम सर्च करना है तो आप भाई यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे भाई आ रहा है लाइसेंस टाइप, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो भाई आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे भाई आपको क्रेडिट देना ज़रूरी नहीं, अपन एक काम करते हैं भाई एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड वाला अपन लगा देते हैं। जैसे मैं लगा देता हूँ, अब यहाँ पे भाई जितने भी साउंड दिख रहे हैं आपको सब लोग को क्रेडिट देना पड़ेगा। चलो मैं भाई लाइसेंस टाइप पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे भाई ये अगर आपको क्रेडिट देना है तो आपको कैसे देना है। फॉर एग्जांपल भाई जैसे भाई ये मेरी गो, सबसे टॉप पे जो साउंड है अपन इस पे आते हैं, तो आपको जो भाई लाइसेंस टाइप है आपको उस पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करोगे तो भाई आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। तो भाई ये जो जितना भी लिखा आ रहा है ना, आपको इस पूरे को भाई कॉपी कर लेना है। तो भाई कॉपी तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना है। तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने के बहुत ही चांस कम होंगे। वैसे तो भाई नहीं मिलेगा कॉपीराइट स्ट्राइक, पर भाई देखो क्रेडिट देना ज़रूरी है क्योंकि भरोसा नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक आपको मिल भी सकता है। तो भाई अगर आपको मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, चलिए इनमें से कोई सा भी ले लेते हैं। जैसे भाई मेरे को ये वाला डाउनलोड करना है तो मैं भाई इस साइड आता हूँ, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप डाउनलोड पर क्लिक करना। तो भाई आपको फिर से एक बार डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए ये डाउनलोड हो चुका है, तो भाई आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसका लाइसेंस भी देख लेते हैं कौन सा है, तो इसे यूज़ कर सकते हैं और क्रेडिट देना भी ज़रूरी नहीं है। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आप यहाँ से भी साउंड ले सकते हो और आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी साउंड सर्च करना है तो आप भाई यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अब भाई आपको और भी ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन है, तो भाई आपको कोई भी चीज़ का अगर साउंड इफेक्ट चाहिए तो आपको वो भी भाई आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। तो भाई मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आप भाई कैसे भी किसी भी म्यूज़िक को यूज़ कर सकते हो और आपको कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर भाई आपकी मेरी वजह से कोई हेल्प हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे कोई भी म्यूजिक को यूज़ कर सकते हो बिना कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर बिना कॉपीराइट क्लेम के। और आप लोग मुझे सजेशन दिया करो कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और अगर आपको मुझसे पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। आपको मेरी प्रोफाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और हमारे चैनल को सब कर देना। तो आज की अगर तुम आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस एक कमेंट किए बिना मत जाना। और हाँ, घंटी बजाते हुए जाना। जय हिंद, जय भारत।